फैक्ट्री में नकली चिकन को कैसे तैयार किया जा रहा है, नकली चिकन बनाते हुए इनमें तरह तरह के और कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं, कैसे नकली चिकन खाने से हो रहे हैं दुनिया भर के लोग बीमार करेंगे, आज इन सभी बातों का खुलासा बने रहिए। वैसे आज के समय में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से चिकन को खाना पसंद करते हैं, लेकिन यह बात भी पूरी तरह से सच है कि मार्केट में नकली चिकन भी आ चुका है जो सेहत के लिए हद से ज्यादा हानिकारक है। इससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं, इसीलिए आपका यह जानना जरूरी है कि नकली चिकन बनता कैसे है। दोस्तों आपको बता दें कि फैक्ट्री में दो तरह की मुर्गियां होती हैं। पहले मुर्गी तो वो होती है जिसका मांस हम खाते हैं और जिसके चिकन से तरह तरह की चीजें बनती हैं। चिकन से बनने वाली ज्यादातर चीजें इसी चिकन की बनती है और इन्हीं मुर्गियों के मांस को नॉर्मली लोग खाते हैं। इन मुर्गियों को बॉयलर कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरह की मुर्गियां वह होती हैं जो अंडे देती हैं, और इन मुर्गियों को तैयार करने का तरीका बहुत ही अनोखा होता है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए चलिए अब हम जानते हैं फैक्ट्री में ये बनाई कैसे जाती है। दोस्तों सबसे पहले तो जो मुर्गियां अंडे देती हैं उनके अंडों को अलग कर लिया जाता है, जिन अंडों में बच्चे होते हैं उन्हें अलग किया जाता है और अनफर्टिलाइज अंडों को भी अलग किया जाता है। ये सब कुछ होने के बाद अब इन अंडों को फैक्ट्री में एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए भेजा जाता है, लेकिन इस दौरान अंडों के साथ कई तरह की प्रक्रिया होती है, जैसे कि उनको साइज के हिसाब से अलग अलग किया जाता है, साथ ही साथ इनमें जो अलग तरह के अंडे होते हैं उन्हें भी ढूंढा जाता है, और भी कई तरह की जांच होती है जिससे इन अंडों को इस दौरान गुजरना पड़ता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद एक रोबोटिक आर्म के जरिए इन अंडों को प्लास्टिक के बॉक्स में रख दिया जाता है और यहां से इन्हें सीधे इनक्यूबेटर मशीन में डाला जाता है, जो एक ऐसी कमाल की मशीन होती है जो आर्टिफिशियल तरीके से अंडों को हैच कर देती है। जी हाँ, यहाँ पर मुर्गी की कोई जरूरत नहीं होती है, आर्टिफिशियल तरीके से ही हैचिंग का काम हो जाता है। इस आर्टिफिशियल तकनीक के जरिए लगभग 7 दिनों में अंडे हैच हो जाते हैं और उनसे बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि कुछ अंडे अच्छी तरह से हैच नहीं हो पाए और उनसे चूजे नहीं निकाल पाए। इसके लिए पूरा स्टाफ होता है जो इस काम को पूरा करता है और अंडों से चूजों को निकालता है। जब पूरी तरह से बच्चे अंडे से निकल आते हैं तो उन्हें इकट्ठा किया जाता है और इस तरह से चेक करके डब्बों में भरा जाता है। मतलब यहाँ पर इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे ये कोई जानदार चीज नहीं बल्कि सब्जी हो। इस प्रक्रिया में इन चूजों को कितना दर्द होता है ये यही जानते हैं। इस दौरान जो बच्चे बच जाते हैं वह पैक करके पोल्ट्री फार्म में चले जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों की मौत हो जाती है तो उनको तो और सहना पड़ता है, क्योंकि फिर उन्हें ऐसे तोड़ मरोड़ कर एक ऐसी मशीन में डाल दिया जाता है जहां से उनका भूसा बनकर ही बाहर निकलता है। खैर अभी तक तो फिर भी सही था, लेकिन असली संघर्ष तो पोल्ट्री फार्म में शुरू होने वाला है जहां इन बच्चों के साथ ऐसा किया जाता है जैसे इनमें जान ही नहीं है। मतलब किसी सब्जी की तरह ही इन्हें इधर उधर फेंका जाता है और फिर पहुंचने के बाद इन्हें तुरंत एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो। जो मुर्गे आप इतने बड़े बड़े देखते हो ना, ये सिर्फ एक 2 महीने में तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पोल्ट्री फार्म में रखते हुए कई तरह के केमिकल दिए जाते हैं जिससे इनकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेजी से होती है। लेकिन ये ग्रोथ मुर्गों और हमारे दोनों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जल्दी बड़ा हुआ मुर्गा सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं है। खैर आपको बता दें, इन चूजों में से जो मुर्गियां निकल जाती हैं उन्हीं के अंडे हमें मार्केट में मिलते हैं, और यह अंडे भी कुछ खास फायदेमंद नहीं होते क्योंकि इनमें भी केमिकल का असर होता है। इतना ही नहीं, चिकन जो जल्दी तैयार होता है उससे कैंसर होने का भी खतरा बताया जाता है, क्योंकि कितना भी कुछ कर लो केमिकल का असर चिकन में रहता ही है जो हमारे शरीर में जाता है और तरह तरह की बीमारियों को जन्म देता है। इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें इस सच्चाई से अवगत कराइए। बाकी और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए पेज को लाइक कीजिए।